मजेदार वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। जो आज का जो वीडियो है वो ट्रायंगल के ऊपर हम पूरा आज बात करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल को अच्छी तरह से आप प्लीज अच्छी तरह से समझिए, और वो एक्चुअली है क्या, ये ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, ये आपके दिमाग के अंदर अच्छी तरह से फिट कर दीजिए। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं ये ट्रायंगल एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल को थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर दीजिए। ट्राई प्लस एंगल, ट्राई का मतलब होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, और एंगल का मतलब कोण, यानी कि जिस ज्योमेट्रिकल शेप का तीन कोण होते हैं वो होते हैं ट्रायंगल। और एक अच्छी डेफिनेशन में बोलने जा रहा हूँ, जो ट्रायंगल होता है ये एक क्लोज शेप होता है। क्लोज मतलब वो बिल्कुल गैप किसके बीच में नहीं रहेगा, यानी कि पूरा क्लोजली पैक रहते हैं, तीन साइड पूरा क्लोजली पैक रहते हैं, तभी ये ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं उसका डेफिनेशन लिखते हैं क्या होगा। व्हाट इज ट्रायंगल, देखिए दोस्तों व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, अ क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर इज बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो एक क्लोज फिगर मतलब मैं इस तरह की एक फिगर बनाता हूं, देखिए ये जो तीन शेप यानी कि तीन फिगर्स मैंने बनाया, ये थ्री शेप से इधर ये गैप रहता है, मतलब ये होगा आपका ओपन फिगर, ये भी आपका होगा ओपन क्योंकि इधर भी गैप रहता है फिगर, पर ये इधर कहीं पे भी आपको गैप नजर नहीं आता है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, क्लोज फिगर, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा एग्जांपल लिया, पर डेफिनेशन क्या कहता है कि थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा वो बाउंडेड फिगर को, क्लोज फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। चलिए उसका डायग्राम क्या होते हैं देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं ये ट्रायंगल का भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ए बी सी, ध्यान से देखिए, यहां पर जो मैंने फिगर बनाया इधर कितना साइड से, थ्री साइड से, थ्री साइड्स के बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे ये क्लोज है कि नहीं। हाँ, इधर पूरा मतलब तीन वर्टेक्स पूरा रहते हैं, ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है और सी भी एक वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो इधर थ्री साइड्स पूरा क्लोजली पैक, मतलब उनके बीच में कहीं पर भी गैप नजर नहीं आते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक क्लोज शेप। तो यहां पर कितना लाइन सेगमेंट है, थ्री लाइन सेगमेंट, तो ये डेफिनेटली ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका कोण यानी कि एंगल्स कितना है, थ्री भी रहता है, अगर थ्री साइड है तो डेफिनेटली थ्री कोण, अगर फोर साइड होगा तो डेफिनेटली उसका एंगल्स भी फोर होगा, ठीक है ना। तो इधर हमको क्या मिला कि यहां पर हमको जो थ्री साइड मिल रहा है वो क्या क्या है, थ्री साइड्स आर एक होता है आपका ए बी, सेकेंड वाला है बी सी, एंड जो लास्ट पार्ट वो होता है आपका ए सी, ठीक है ना। थ्री साइड सर मतलब वन टू थ्री, ये थ्री साइड, और क्या है, थ्री एंगल्स भी है, देखिए थ्री एंगल्स, तो वो थ्री एंगल्स का नाम क्या है, पहला वाला है बी ए सी, बी ए सी एंगल, ए सी बी एंगल एंड ए बी सी, ए बी सी एंगल। तो इधर हम इसको ट्रायंगल इसलिए बोलेंगे कि इसका जो थ्री साइड वो पूरा क्लोजली पैक है, मतलब ओपन नहीं है, वो क्लोज फिगर है, और इसका कोण यानी कि एंगल्स कितना है, थ्री होता है, तो इसको ही हम बोलेंगे क्या,
ट्रायंगल, ठीक है ना। आपके मन में भी क्वेश्चन आए होंगे कि सर यहाँ पर तो थ्री एंगल, क्या सब ट्रायंगल का जो तीन एंगल का जो सम रहता है वो क्या फिक्स है? पक्का फिक्स ही है, वो जरूर फिक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी कहता है ट्रायंगल का, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए वो प्रॉपर्टी क्या बताता है, ये रहा आपका ट्रायंगल का, मैं इधर लिखता हूं, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं, अब हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब इधर जो तीन एंगल आपको नजर आता है ना, ये तीन एंगल का सम यानी कि ये एडिशन का रिजल्ट 180 डिग्री। दैट मींस वी कैन राइट हियर ए बी सी एंगल प्लस बी ए सी एंगल प्लस ए सी बी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब ट्रायंगल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जो ट्रायंगल का साइड के दृष्टिकोण से वो कितने तरह के होते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू साइड्स द ट्रायंगल इज ऑफ थ्री टाइप्स। तो साइड के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, क्या क्या है? एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड वन आइसोसेल्स ट्रायंगल, थर्ड वन स्केलेन ट्रायंगल। तो ये अगर हम साइड की दृष्टिकोण से देखेंगे, आपका ट्रायंगल तीन तरह की होता है, एक रहता है आपका इक्विलेटरल, सेकंड वन इज आइसोसेल्स एंड थर्ड वन स्केलेन ट्रायंगल। चलिए ये बीट बाय बीट उसका डेफिनेशन क्या है और फिगर क्या हो सकता है देखते हैं। अब पहला वाला जो है वो होता है आपका स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे, और ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल In which three sides are equal। Very simple। एक ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कब बोलेंगे कि जब उनका थ्री साइड्स इक्वल होगा। जैसे कि मैं फिगर कर लेता हूं इधर, ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया। सपोज ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये सिंबल दे दीजिए, या फिर तीन भी लाइन आप खींच सकते हैं। मैंने इधर दो लाइन खींचा, मतलब इसमें ये पता चलता है ये साइड इसके साथ इक्वल, ये साइड इसके साथ इक्वल, तो हर साइड का जो लेंथ रहता है वो बिल्कुल सेम आता है। तो ये ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या हुआ है, एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एसी, जो कि इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर। सो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये एबीसी ट्रायंगल को
हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इधर देखिए इसका ईच एंगल जो रहता है, अब ध्यान दीजिए और याद भी रखिए, इसका ईच एंगल का मेजर होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का खाली साइड सेम नहीं, उसका एंगल भी इक्वल है, तो ये एंगल का मेजर कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आया? अब सेकंड वाला जो ट्रायंगल है वो होता है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, देखते हैं वो क्या होता है। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलेंगे, ठीक है ना। और ट्रायंगल इज सेड टू बी, आप नोट कर दीजिए प्लीज, और ट्रायंगल इज सेड टू बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। नोट कर दीजिए प्लीज, एक ट्रायंगल को हम कब आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे, कि इनका दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने डायग्राम इधर ड्रा कर रहा हूं, ए बी सी, सपोज ये साइड इसके साथ बराबर है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मानो ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सिर्फ दो साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। उसका एक क्राइटेरिया रहता है, आप याद रखिए, कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि इधर ये जो ट्रायंगल में जो जहां पर दो साइड इक्वल है उनका ऑपोजिट एंगल कौन है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, एसी का ऑपोजिट एंगल होगा एबीसी। ये एबीसी किसके साथ इक्वल है, इसका जो ऑपोजिट, मतलब इसका ऑपोजिट साइड कौन है, एसीबी। ये अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 60 ये भी 60, अगर ये 70 ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल का जो डेफिनेशन और फिगर कुछ इस तरह की होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला ट्रायंगल के ऊपर चलेंगे, वो है आपका स्कैलेन ट्रायंगल। अब देखिए स्कैलेन ट्रायंगल क्या डेफिनेशन बोलता है, ये इसका डेफिनेशन क्या होगा, द ट्रायंगल इन व्हिच थ्री साइड्स आर ऑन इक्वल, मतलब ये किसके साथ, इसका जो थ्री साइड्स वो थ्री साइड्स पूरा ऑन इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। फिगर क्या होगा, मतलब ये 9 सेंटीमीटर, ये सपोज 8 सेंटीमीटर, सपोज ये होगा आपका सपोज 7 cm। देखिए इसका जो साइड रहता है वो पूरा ऑन इक्वल, मतलब थ्री साइड्स आर ऑन इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल ए बी सी। ये होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब जो साइड के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रायंगल को तीन तरह पे डिवाइड किया, और आगे देखेंगे एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को कितना तरह के डिवाइड किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल द ट्रायंगल इज
डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, क्या क्या है वो देखिए, एक होता है आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड वाला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एंगल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को हमने तीन तरह के डिवाइड किए, तो ये ट्रायंगल जो रहता है उनका नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है, द ट्रायंगल इन व्हिच थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे कि एक ट्रायंगल में उसका थ्री साइड्स अगर एक्यूट एंगल रहेगा, यानी कि मोर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तीन एंगल पूरा तीन एंगल्स आपको एक्यूट एंगल अगर मिल रहा है तो वो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए इस तरह की फिगर एक्यूट एंगल, सपोज कीजिए ये 70 हो रहा है, सपोज ये आपका 50 डिग्री, सपोज ये 70 इधर 70 ये 50 ये 60, ए बी सी मैंने वहां पर जो फिगर ड्रॉ किया, इधर ए का एंगल का मेजरमेंट 70 ये 50 ये 60, देखिए 180 होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो इधर तीन एंगल भी एक्यूट एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल है इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ एक बात और, जो हमने जो साइड की जो अकॉर्डिंग टू साइड हमने क्या किए थे, ट्रायंगल को तीन तरह के डिवाइड किए थे, तीन टाइप्स होता है, एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल का मेजर कितना होता था 60 डिग्री, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उनका भी जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का भी जैसे कि 70 60 50 यानी कि ये जो आपका एक्यूट एंगल तीनों एंगल रहता है, वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हर एंगल का मेजर कितना होता था 60 डिग्री, तो इसलिए हम उसको भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की ओर। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या है, द ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या ये डेफिनेशन लिखे हैं कि ये जो ट्रायंगल इसका एक एंगल का मेजरमेंट सिर्फ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा और बाकी जो दो एंगल रह जाएंगे वो एक्यूट एंगल रहेंगे, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका फिगर क्या होगा देखिए, एक ही एंगल आपको 90 डिग्री, सिर्फ एक ही एंगल, एक्यूट एंगल में तीनों एंगल होते थे, इधर एक ही एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये रहता है आपका 90 डिग्री, सपोज इधर ये मैं 40 डिग्री लिख देता हूँ, ये 50 डिग्री लिख देता हूँ, तो ये एबीसी में आपको क्या मिल रहा है, एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल द ट्रायंगल इन व्हिच
एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल का जो डेफिनेशन ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल का एक ही एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 एंड लेस देन 180 यानी कि वो जो एंगल रहता है वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल. कुछ इस तरह की बच्चों आप देख सकते हैं. हाँ सपोज कीजिए 120 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 20 डिग्री ए बी सी, ठीक है ना. ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी. हाँ सिंबल, अब मैंने एक चीज बोलना भूल गया, ट्रायंगल का सिंबल ये रहा आपका ट्रायंगल का सिंबल देखिए, ठीक है. ये ज्योमेट्रिकली हम ऐसे लिखते हैं. सपोज मैं इधर ए बी सी का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ए बी सी. आप ध्यान पे रखिए ये ट्रायंगल ए बी सी का सिंबल. तो चलिए हमारा मेन पॉइंट पे, ए बी सी को हम क्यों ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि इसका एक एंगल जो मेजरमेंट कितना रहता है ऑप्टिक्स एंगल. तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल. आप मन में भी और कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं. सपोज ये 150, ये सपोज 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, इसको भी हम क्या बोलेंगे ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल का मेजरमेंट कितना है 150 डिग्री. ये रहा आपका 150 डिग्री, जो कि हम इसको बोलेंगे ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल, ठीक है. तो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज अपने पहले से जो मैंने क्लास किया था वहां पर क्या होता था कि आपका जो थ्री एंगल्स मतलब ट्रायंगल का जो थ्री एंगल्स उनका सम क्या था कि 180 डिग्री. वो मैं जरूर प्रूव करके आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, मतलब मैं प्रूव आपके ही सामने करूंगा वो कैसे थ्री एंगल्स का सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 डिग्री होता है. और भी उसके कुछ ट्रायंगल का सम स्पेशल प्रॉपर्टीज रहता है जो कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड वन. मतलब एक ट्रायंगल का दो साइड का सम जरूर बड़ा होगा थर्ड साइड से, ठीक है. तो ये और एक्सटीरियर एंगल भी, ये भी होगा क्या, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ बराबर होगा. तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्टूडेंट्स. बाय बाय.